हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। और अभी मैं खा रही हूँ साबूदाने की खीर, बनाई थी नाश्ते में। और घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खा लेती हूँ। ये थोड़ी बहुत खा लेते हैं और घर में कोई नहीं खाता है। और उसके बाद में शाम को फिर दीदी ने खाना वगैरह बनाया था, तो फिर मैं ज़्यादा अभी कर नहीं पाती हूँ काम। तो शाम को मैंने बनाई है मेथी, सोया मेथी की सब्जी और पराठा। तो सोया भी ताज़ी ताज़ी सब्जी आई थी अभी, तो मैंने कहा अभी बना लेती हूँ काट के। फिर ये थोड़ा, और साथ में इनका कोचिंग का काम भी करवाती जा रही हूँ। भैया है नहीं घर पे, तो मुझे ही करवाना पड़ेगा। बस इनको थोड़ा दूध देखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। बस पराठा सेक लेती हूँ फटाफट से। तो ये शाम का हमारा वीडियो है। और उसके बाद में सुबह को दीदी ने अपने छोले बना के रख दिए हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ, भटूरे की तैयारी करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा, मतलब अपनी फैमिली के हिसाब से ली है, और उसमें इस ए इनो की एक पुड़िया, उसमें दही भी डाल सकते हैं, पर दही मेरे पास था नहीं, तो मैंने इनो की पुड़िया डाल दी है। और इनो की दो पुड़िया भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मैदा होती है तो पेट के लिए अच्छा रहता है। और उसके थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोले के साथ तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तो बस इसके साथ नमक, थोड़ी सी रिफाइंड डाल दी थी। इसको अच्छे से गूंद के रखना है, जितना अच्छा इसे गूंद लोगे उतना ज़्यादा भटूरे एकदम से फूले फूले, करारे करारे एकदम से बनेंगे। तो वही मैं इसे अच्छे से मल के रख दूंगी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा पूरी का आटा बचा था, अपनी देव की सुबह नाश्ते में पूड़ियाँ बनी थी, तो बस थोड़ा सा बचा है। और बस आधे घंटे के बाद फिर मैं सेक दे रही हूँ, क्योंकि भूख सबको लगने लगी है, मुझे भी लगने लगी है। लगभग 11 बज भी चुके हैं, तो एकदम से फूले फूले भटूरे तैयार हैं। और आप देख सकते हैं, और मैंने अपने लिए एक पूड़ी बनाई थी और एक भटूरा, बस इतना ही खाया था मैंने। छोले, सिंपल से छोले बनाए थे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा फिर पसंद नहीं करते हैं। और सुबह की हमारी हो रही है पूजा, और मुझे कहीं आज जाना है, और पूजा करने के बाद में फिर यहाँ पे ये मेवा रखी हुई, तो मैंने काट के रख दी है। तो मैं सोच रही हूँ मेवा इसको कर लेती हूँ, कुल काफ़ी दिनों की रखी हुई है, तो मैं इसे काट के और इसी में रख दूंगी। फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो अब करूँगी। पता, जब हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए, तब इतनी तेज़ बारिश आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो पहली बारिश इतनी तेज़ हुई है, पर ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। मौसम जरूर अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था, हवा भी चल रही है एकदम, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर थोड़ी थोड़ी सी बारिश कम हुई, तो मैं उसी में हम लोग चले गए थे, मेरे तो कपड़े भी गीले हो गए थे, फिर मैंने वहाँ जाके चेंज कर लिए थे। और फिर हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है, क्योंकि मैं काफ़ी पहले आ चुकी थी। तो यहाँ पे इनका आज बर्थडे है, आज ही अपनी से 1 महीना छोटे हैं, मतलब तो 1 महीने में ही आता है उनको, 9 अगस्त को आता है, इनको 28 या 29 अगस्त को आता है। और यहाँ की इनकी हो रही है पूजा, और पंजली करेगी पूजा, और इनके पैर दर्द करने लगे हैं, तो कह रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग, 11 लोगों ने, हमारे यहाँ 11 लोग पूजा करती हैं, तो 11 लोगों ने पूजा की है, तो इनके पैर दर्द होने लगे, तो ऐसे सही कर रही हूँ। तो अब दूध पिलाया जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जब जो लोग पूजा करती है, टीका करती है, और वो लोग दूध पिलाती हैं, गिलास में रख लेते हैं, तो ये दूध पी रहे हैं अब। सारा इनका जो, मतलब जो हमारा पहले वाला जो होता है गुलगुला से हम लोग पूजा करते हैं, वो वाला टीका हो चुका है, अब केक वाला प्रोग्राम होगा। ये इनका केक भी आ चुका है, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, सारी चीज़ें
रेडी हैं, और देव भी, अबनी, मैं सभी बच्चे। सोचती हूँ इनको। और ये देखो, ये महारानी देखना अभी धीरे से केक, अपनी छोटी सी उंगली से केक ले लेती है, एक उंगली से बस थोड़ा सा, और जो कोई इससे मना करे ना, सो एकदम ताली बजाने लगती हैं। काफी बार इन्होंने ये किया, कोई बात नहीं बच्चे हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। तो तैयारी चल रही है, केक बेस्ट कटने वाली है, फिर खाना वगैरह तो नहीं, दावत वगैरह नहीं थी, बस यही कोल्ड ड्रिंक, समोसे और केक, बस यही नाश्ता था सबका। और हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया था, खाना वगैरह खा के इनको मैंने अपनी देव को भेज दिया था, और मैं तो रुक गई थी, मैं तो दूसरे दिन आई थी। तो वो वीडियो मैं आपको कल के दिखाऊंगी, रात।